Hi, this is Anshit Patak from Green Amigos and welcome to a new session of Do You Have a Minute? क्या आपको पता है कि 75% लोगों को fear of public speaking है, जिसे glossophobia भी कहते हैं। लोगों को डर इस बात से लगता है कि कहीं वो कोई गलती ना कर दे, कोई गलत information ना दे दें या कोई उन पे हंसे ना। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे कहीं भी publicly presentation दे सकते हैं या public speaking कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कहीं पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी के भी सामने अगर बोल रहे हैं, दो लोगों से भी बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में बात करें। अच्छा ओरेटर वही होता है जो अपना मैसेज कन्वे कर पाता है, जिस चीज़ के लिए वो गया है, तो उसमें इंग्लिश कहीं भी नहीं आती है। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अगर आप चार लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर सकते हैं, तो आप 400 लोगों के बीच में भी खड़े होकर बात कर सकते हैं। यही एक अच्छे ओरेटर की पहचान होती है। फिर उसके बाद बात आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें। कोई भी चीज़ स्टार्ट करना वो सबसे कठिन चीज़ होती है, कि अगर आपको कोई कॉन्वर्सेशन या कोई स्पीच स्टार्ट करनी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो कोई फैक्ट बताइए या तो कोई एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे कि मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताया एक फैक्ट कि 75% लोगों को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। तो ऐसे ही आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप चार लोगों के बीच में खड़े हों या 400 लोगों के बीच में खड़े हों। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटरैक्ट करना। और दूसरी बात, आपको मोनोटोनस नहीं होना है, मतलब एक ही टोन में कोई भी बात बोलते हुए नहीं चली जानी है। जैसे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बोली है तो उस पर थोड़ा सा जोर लगाइए ताकि लोग समझें, और आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं हैंड जेस्चर्स भी। और अगर आपको इफ़ेक्टिव स्पीच देनी है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब आपको अपना होमवर्क करके जाना है। अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर ले या लास्ट में किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। जैसे अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अगर कहीं पे भी स्पीच देता हूँ, जैसे मैंने NCR हेडक्वार्टर्स में एम्प्लॉयज़ से एक सेशन लिया था जिसमें मैंने उन्हें वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर एक स्पीच दी थी, तो उसमें वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हम उसमें किस तरह का वेस्ट डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन आप लेके जा रहे हैं उसे बुलेट्स में याद रखिए, पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भूल भी जाते हैं तो उसे इम्प्रोवाइज कर लीजिए, वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और लास्ट में जब कंक्लूड करने जा रहे हो तो आप सिंपल अपना जो भी डेटा आपने बताया है उसे फिर से बता के आप ख़त्म कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि आप इंटरेक्ट करिए, जैसे आप किसी एक इंसान से बात करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर देता है। इस तरह आप पूरी भीड़ से भी कर सकते हैं, उनमें से किसी को भी एक को चूज़ कर लीजिए जो आंसर दे रहा है, या उनसे ऐसे सवाल पूछे जिसमें येस और नो जैसा आंसर हो, तो उससे इंटरेक्ट करते हैं, कोई बोर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं रोज़ 15 मिनट सिर्फ, तो हमारी स्पीच इफेक्टिव हो जाएगी। आप रोज़ मिरर के सामने 15 मिनट अगर ये सारी चीज़ें बात खुद से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इससे आपकी स्पीच में काफ़ी अंतर पड़ेगा। जैसे तीन चीज़ें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई हैं, कि सबसे पहला तो एक कोई क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, या कोई फैक्ट बता दीजिए, या हैंड जेस्चर्स करिए, ये इंपॉर्टेंट है, या अपना होमवर्क करके जाइए कि जो भी चीज़ें वो बुलेट्स में रखी हैं, और हमेशा इम्प्रोवाइज़ करिए, वहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ बोलें उसे टू द पॉइंट बोलें और उसे थोड़ा कॉम्पैक्ट रखें। मैंने काफ़ी जगह सेशंस लिए हैं, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बैंक्स में, रेलवे हेडक्वार्टर्स में, तो मैं यही सारी चीज़ें हर जगह अप्लाई करता हूँ। ये जनरलाइज फार्मूला है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।